अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं जिसमें कि हम बात करने वाले हैं, एक डिस्कस करने वाले हैं हम स्कॉस्ट जम्मू के रिलेटेड, कि स्कॉस्ट जम्मू में किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर आता है एंट्रेंस के लिए, जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से फ्रेम होता है और कितने क्वेश्चन होते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पेपर पे रहती है, क्वेश्चन बुकलेट पे रहती है, वो आज हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आगे जो स्कॉस्ट जम्मू या स्कॉस्ट कश्मीर के बारे में अपडेट आने हैं, चाहे वो इम्पॉर्टेंट डेट्स हो, फॉर्म फिलिंग की डेट्स हो या एंट्रेंस की डेट, जो भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल पे वो ज़रूर अपडेट देंगे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके अलावा वीडियोस को जो है शेयर करें ताकि दूसरे एस्पिरेंट भी जो है उन तक भी ये जो है इंफॉर्मेशन पहुँच सके। तो देखिए, जो स्कॉस्ट कश्मीर के बारे में मैंने पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो कुछ एस्पिरेंट जो हैं वो जम्मू के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ कश्मीर के लिए, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो बोथ जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी अप्लाई करते हैं। लेकिन डिफरेंस जो है बहुत डिफरेंस है, जम्मू में जो पेपर होता है और कश्मीर में जो पेपर होता है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। कश्मीर के केस में आपने सुना ही होगा कि वहाँ जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके का पैटर्न रहता है और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है फ्रेम होता है, तो वो मैंने वीडियोज़ में जो है डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके इस वीडियो में जो है हम सीधा जम्मू जो कॉस्ट है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर लूँगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है तो ये इस तरीके की ये जो है होती है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 180 का यहाँ बताया हुआ है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 180, तो मींस कि एक क्वेश्चन जो है एक मार्क्स का है। और टाइम जो है वो 180 मिनट्स दिया हुआ है, तो टाइम जो है 180 मिनट्स के अंदर आपने जो है पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। उसके अलावा ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़, ये जो है कॉमन सी इंफॉर्मेशन रहती है, ये जो है हर एक एस्पिरेंट को जो है वो इसके बारे में नॉलेज होता है। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो है 1 से 80 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, ए, बी एंड सी। तो एक क्वेश्चन का जो है 4 रेस्पॉन्सेज होंगे, तो उनमें जो है सिर्फ एक को आपने चूज करके फिल कर देना है ओएमआर शीट। उसके अलावा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो है एक तो उसमें बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन ए में जो है A1A उसको जो है इन्होंने किया है, तो सेक्शन ए में जो है दूसरा पार्ट जो है सेक्शन ए में, एक तो बायोलॉजी का पार्ट है सेक्शन ए में, और उसके बाद एग्रीकल्चर का पार्ट है, और फिर मैथमेटिक्स का पार्ट है सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी में जो है केमिस्ट्री है, और सेक्शन सी में फिज़िक्स है। तो अब जो है जो बीवीएससी के लिए जाते हैं, बीवीएससी कोर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं, उनको क्या है, उनको सेक्शन ए से बायोलॉजी का पेपर जो है अटेम्प्ट करना होता है, और सेक्शन बी से केमिस्ट्री का पेपर, और सेक्शन सी से फिज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम जैसे बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या है, फर्स्ट सेक्शन से जो है आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा, और सेकंड और थर्ड सेक्शन में से केमिस्ट्री और फिज़िक्स आपने ऐसे जो है आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन जो है आपको क्लियर हुई होगी कि आपने जो है जो बीएससी के लिए जो अप्लाई करेंगे या बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, तो इस हिसाब से जो वो आपने यहाँ अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो है हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो एक मार्क्स मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग स्कॉस्ट जम्मू में होती है, ये आप गौर से सुन लें। स्कॉस्ट कश्मीर में अभी तक जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन स्कॉस्ट जम्मू की जहाँ तक बात है, स्कॉस्ट जम्मू में
0.25 1/4 रेशो की नेगेटिव मार्किंग जो रहती है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका जो है कोई मार्क्स आप आपसे जो है उसमें जो है कोई डिडक्शन नहीं होती है, उसका जो है ना आपको फ़ायदा है उससे ना आपको आपको जो है नुकसान है। और उसके अलावा जो सेक्शन 4 इंस्ट्रक्शन सीरियल नंबर 4 में जो बताया हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी डोंट ट्राई टू रीड द होल क्वेश्चन पेपर। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि कंपलसरी हैं सारे क्वेश्चन, तो कंपलसरी हैं 1 से 180 तक। और जो इनकी नंबरिंग होती है, तो बायो में 60 क्वेश्चन, फिजिक्स में 60 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन, टोटल जो है 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ बताया हुआ कि पूरा पेपर जो है पहले ही जो है पूरा पेपर नहीं पढ़ लें, जो आपने क्वेश्चन पकड़ा उसी को जो है पहले सोचना है। अगर आपको आंसर आता है तो आंसर जो है आपने मार्क करना, अगर नहीं आता उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये तरीका जो है ये बहुत ही सही तरीका रहता है। इसे जो है टाइमिंग का भी खास ख्याल रहता है और टाइमिंग टाइम के अंदर अंदर जो है हम अपना पेपर जो वो सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड कीप ऑन ट्राइंग वन क्वेश्चन आफ्टर अनदर टिल यू फिनिश द पार्ट। तो ये तरीका जो है मुझे भी जो है अच्छा लगता है कि एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पे जाएं तो उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आएं, अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि पहला हम बायो का के कुछ क्वेश्चन करेंगे और केमिस्ट्री पे फिर जाएंगे और फिर उसके बाद फिज़िक्स पे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मेरे हिसाब से इस तरीके से जो है ये ठीक नहीं रहता है। लेकिन अब एस्पिरेंट का जो है अपना अपना मिजाज होता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को देख लेगा, किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करेगा, वो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना तरीका हो सकता है। लेकिन जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दी है ये बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन, और पहला पेपर मैं कॉस्ट जम्मू का देख रहा हूँ जहाँ ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है मेंशन की हुई है क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे। उसके अलावा रॉफ शीट के लिए जो है ब्लैंक शीट का यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन बुकलेट के लास्ट में जो है अवेलेबल होता है। बाकी जो जो कॉमन सी इंफॉर्मेशन रहती है वो आप जानते हैं कि करेक्ट कैसे फिल करना है, ओएमआर को कैसे फिल करना है, ये तो आप सब जानते ही हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक ही पीडीएफ है हमारे पास 2018 की, जिस कॉस्ट जम्मू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर किसी को जो है ये क्वेश्चन पेपर चाहिए वो हमें जो है कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं ये अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पर जो है आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी स्कॉस्ट जम्मू के लिए जो है पढ़ रहे हैं, चाहे बीबीएससी के लिए हो या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक। और जो है दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव में कोई स्कॉस्ट जम्मू के लिए पढ़ रहा है, उसके अलावा स्कॉस्ट कश्मीर का हमने पहले ही अपने चैनल पर जो है वीडियोस बनाई हैं, और स्कॉस्ट जम्मू के रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई है जिसका कि हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या रहता है एडमिशन का, वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर उन वीडियोस को भी आप देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।